तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज हमारे साथ है अभिडोन सर, एपीएस, और ये अपना दोस्त अनुज। तो गाइस आज आप सोचे होंगे हम इन सर दर्ज कैसे रहे, हमारे दोस्त की शादी नहीं है, हमारा आज फेयरवेल है। तो अभी आप बने रहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे 40 के की पार्टी है, आ जाना सब लोग। इसके बाप की शादी में नहीं इतने तैयार हुए थे हम, पर अभी फेयरवेल है आज हमारा। तो गाइस आज आपको हम अपने सभी फ्रेंड से मिलाएंगे, तो बने रहिए इस व्लॉग में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। हम सब पार्क में मिल चुके हैं, सभी नहीं बस कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज। ये हमारे चौरसे जी है, अनिकेत चौरसे खानदान के वारिस। ये कुछ गर्ल्स हैं यहाँ पे, इनका प्रेम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोटो शूट हो रहा है हमारे ये हिमांशु भाई, आप इनसे पहली बार ही मिल रहे होंगे। ये रहा हिमांशु हमारी क्लास में, उधर वो किशोर है, और इसे तो आप जानते होंगे, जज वकील का लोंडा लग रहा है, वो सब लिखा है ऊपर। तो गाइस अभी यहाँ पे सब मिल चुके हैं, अभी और लोग आ रहे हैं, फिर हम स्कूल चल रहे हैं। ये सब रील बना रहे हैं, ये चौरासे जी फोटो शूट करा रहे हैं, वो भी फोटो शूट करा रहे हैं, मीनाल फोटो खींच रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी दोस्त आ चुके हैं, लड़के लड़के काफी सारे आ चुके हैं, और यहाँ जाफर भी आ गया है। ओए जाफर, सबको दिखाओ यार आज तुम कैसे बन गए। देखो जाफर न्यू लुक में आ गया गाइस, इन्होंने अपने बाल रंग करा लिया है। तो अभी ये फोटो खींच रहे हैं, तो अभी आने देते हैं सबको, फिर सर का फोन आएगा तब हम स्कूल जाएंगे। वीडियो बना रहे हैं गाइस, अभी यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, सब फोटो खिंचा रहे हैं, और एक दो बच्चे शायद आने बाकी सब आ चुके हैं। अभी सर का फोन आएगा स्कूल से, तब लोग हम लोग जाएंगे। अभी सर का कॉल आ चुका है, सब स्कूल जा रहे हैं। ओए चलो, अभी आप देख सकते हैं सब तैयार है जाने के लिए। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, फॉलो नहीं होता, सब्सक्राइब करो, और इसके चैनल को फेमस कर दो। तो गाइस अभी सब सब चल रहे हैं स्कूल की साइड, और हमारा स्कूल में लास्ट डे है, तो एंजॉय करेंगे। और काफी इमोशनल डे हमारे लिए, काफी मतलब बुरा लग रहा है, नहीं जाना चाहते थे स्कूल छोड़कर। और सर अभी हमें स्पीच वगैरह भी देनी है, तो अभी वो लोग तो आ रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ स्कूल। और मैं कैसा लगा मेरे को बता देना, और मैंने हेयर कट भी कराया है, मतलब मेरे बाल अभी मैंने कटाए थे ना, थोड़े थोड़े आ चुके थे, तो बाल हेयर कट कैसा लग रहा है सब बता देना गाइस। तो अभी मिलते हैं आपसे आगे स्कूल के बाद जाकर। प्ले में
यहाँ पे हमारा फेयरवेल सेलिब्रेट हो रहा है। अभी सब बाहर आ चुके हैं। तो गाइस अभी 9th वाले अंदर गए हैं। क्या थोड़ा उधर हो जाओ मैंने। Student life, but not the end of our relationship and bond that we have built over the years. We as your lovely juniors have come up with beautiful events which are carefully curated and crafted for each one of you. Each one of you are looking absolutely stunning and and this will make us even more difficult to say goodbye. So just for today, let go all your shyness, ego, and any kind of hatred that you have with each other and enjoy the day to the fullest. Thank you. Teachers and all dear my seniors and our classmates. So, आज आपका बहुत खास दिन है, इसीलिए इस खास दिन के लिए मैं चार लाइन बोलना चाहूंगी। साथ गुजारे वह पल भुला ना देना, साथ गुजारे वह पल भुला ना देना, जाओ कुछ बनकर जहां को दिखा देना। रिडल्स के साथ करना चाहेंगे। सो सबके हैं प्यारे, कहलाते हैं ठाकुर, बस टॉपिक मिल जाए तो कहते हैं मैं तुम्हारे को आतुर। ईशा में गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑल माय जूनियर्स, मुझे इस स्कूल में 10 साल से ऊपर ही हो गया है और मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा है। और मैंने अभी तक ना ज़्यादा, मैं अपना 10th का बताता हूँ, तो मैंने 10th से पहले कभी भी किसी भी गेम में मेडल नहीं लिए थे और उस कबड्डी ग्राउंड में खेल के कबड्डी ग्राउंड को हमने दिल से बनाया, हमेशा उसके जैसा है वैसे ही रखना, हम आते रहेंगे देखने। और अब टीचर्स की, तो मैंने सब टीचर्स से बहुत कुछ सिखाया और मैंने कभी किसी टीचर्स को दिल से कभी कुछ बुरा नहीं कहा। और मैं अपने जूनियर से भी ये कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी क्लास में, कभी किसी टीचर्स को कुछ मत कहो, बुरा मत बोलो, वो आपके भले के लिए सोचते हैं। और थैंक यू, बस मैं बोलता हूँ।
जान जो मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी रीडल बनाने के लिए और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम सबको अलग होना है एक दूसरे से, लेकिन एक होप अभी भी दिल में है कि 11th 12th बन रही है तो इतना ज़्यादा तो मुझे ही दुख नहीं है, लेकिन आप सबके साथ बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की है मैंने, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है स्कूल में, फिर भी एक दर्द दिल में फिर भी है कि कुछ जो स्टूडेंट्स जो चले जाएंगी उनके लिए। थैंक यू। नेक्स्ट है, हर वक्त रहती है चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, जब तैयार होते हैं किसी पार्टी के लिए जस्ता है खूब उन पर उनका डांसिंग स्टाइल। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स टीचर्स, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट क्लास से आया हूँ स्कूल में, मुझे 10 साल हो गए पूरे स्कूल में, अब मैं फिर 6th तक गेम खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 10 मेडल हो गए हैं पूरे खेल के स्कूल की तरफ से, उन्हें मैंने संभाल के रखे हैं अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी मेडल मिले, मेरा एम है कि 20 मेडल मैं इस स्कूल से लेके जाऊंगा सर।